युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जीवन में जोखिम लेना चाहिए, यदि जीत गए तो नेतृत्व करने के लिए अवसर मिलेगा और हार गए तो मार्गदर्शन करने के लिए अवसर प्रदान होगा। हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शंकर बागड़ी। टुडे रूल नंबर 23 एंड 24 आई विल कंप्लीट, सो लेट्स बिगिन विदाउट डिले। रूल नंबर 23, इफ थ्री पर्सन प्रोनाउन कनेक्टेड बाय एंड। अब यहां पर थ्री पर्सन प्रोनाउन है और कनेक्टेड एंड से है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है? थ्री पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के हिसाब से होता है, पर हम देखते हैं उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, राइट। तो ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन इनकी बात हो रही है, तो इस हिसाब से हम अगर ये कनेक्टेड एंड से हो, स्टार्टिंग में एज ए सब्जेक्ट काम कर रहे हो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में से, तो इट मीन्स से यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम करने के बाद एंड से कनेक्टेड होने के बाद भी इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, न कि सिंगुलर वर्ब का। सेंटेंस को देखते हुए ऐसा लगता है कि लास्ट में जो वर्ड कनेक्ट एंड से हुआ है उसके अनुसार हमें लगता है कि सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए। यहाँ पर हम ये मिस्टेक करते हैं, तो इन छोटे से मिस्टेक के लिए हम यहाँ पर देखेंगे इस रूल को। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फॉर इंस्टेंस यू, ही एंड आई, इट मीन्स, इसमें एक बात और बता देता हूँ, 2-3-1 सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं इन ए गुड सेंस। एक सेंटेंस ऐसा जो 2-3-1 सीक्वेंस में फॉलो हो रहा हो और इन ए गुड सेंस में, तो उस सिचुएशन में हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। अब देखिए कैसे, 2-3-1 है क्या चीज, 2 मीन्स सेकेंड पर्सन यू, 3 मीन्स थर्ड पर्सन ही सी इट, और 1 मीन्स आई फर्स्ट पर्सन। तो इस सिक्वेंस के अनुसार हम जब सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं उस सिचुएशन में हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का यूज करते हैं, इस बात का ध्यान देना होगा। फॉर इंस्टेंस देखिएगा, यू ही एंड आई, स्टार्टिंग यहां से शुरू होगा, ठीक है। यू ही एंड आई, यू सेकेंड पर्सन है और ही थर्ड पर्सन है और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आई आर गुड फ्रेंड इज ए राइट सेंटेंस। अब देखिए यहां पर हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया है, ठीक है, और यहां पर जो आर है वो रूल नंबर 2-3-1 के हिसाब से, जो ये सीक्वेंस है इसके हिसाब से आर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, और यहां पर हम आई को देखते हुए बहुत बार क्या करते हैं, एम का प्रयोग कर लेते हैं तुरंत, आई आया है लास्ट में, तो आई एम गुड फ्रेंड, दैट इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस से 2-3-1 ये कहता है कि इस सिचुएशन में एंड से कनेक्ट होने के बाद प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा, ना कि सिंगुलर वर्ब का, क्योंकि आई के हिसाब से एम बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा लगने से कुछ नहीं होता है, सेंटेंस ग्रामेटिकली वो रॉन्ग हो जाता है, तो हमें ग्रामर के जो रूल है उसके अनुसार ही चलना होगा। तो इतना सरल रूल था ये, इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। देखिए इतने सरल रूल को अलग अलग तरीके से क्यों बता रहा हूं, क्यों इन दोनों रूल को लेके आया, क्यों और 2-4 रूल और क्यों लेके आया, इसका रीजन ये है कि यदि हम इन रूलों को यहीं पर सीख लें और आने वाले अगले रूल इसके अपोजिट वाले होंगे उनको अलग सीखें, तब जाके हमको कंपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, राइट। इसलिए हमको इस रूल को यहीं पर सीखना है और क्लियर करना है, राइट। और यहां पर देखिए टू पर्सन प्रोनाउन आ जाता है कनेक्टेड बाय एंड से। अब यहां पर थ्री, ऊपर थ्री था और इस वाले में टू पर्सन है, लेकिन उस सिचुएशन में भी हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखिएगा आप, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, टू पर्सन प्रोनाउन करेक्ट है, लेकिन टू सिक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं, 2-3 का मतलब, टू मतलब यू, थ्री मतलब ही सी इट थर्ड पर्सन, राइट, और टू मतलब यू और आई मतलब फर्स्ट मतलब आई, राइट। 21, 23, 21 और 3-1, थ्री मतलब समझ गए होंगे ही सी इट और फर्स्ट मतलब आई, और यहां पर 3-3 मतलब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, राइट। सिचुएशन आते थर्ड पर्सन, जैसे मोहन हो गया, मोहन एंड ही, तो ये थर्ड पर्सन है दोनों, तो 3-3। तो इस सिचुएशन में जब सेंटेंस हमको दिखता है जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, 23
2-1 और 3-1 और 3-3 सीक्वेंस को हम जब भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं तो हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। 3% एंड से कनेक्टेड हो, 2% एंड से कनेक्टेड हो, दोनों की सिचुएशन में हम कुल मिलाकर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का ही प्रयोग करेंगे। देखिए यू एंड ही, यू सेकंड पर्सन है, ही क्या है थर्ड पर्सन है, कनेक्टेड से है एंड से है, तो इस सिचुएशन में ही के हिसाब से इज रॉन्ग हो जाएगा, आर क्या है ये सही माना जाएगा। ठीक है, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, क्योंकि 23 रूल कहता है कि इस सिचुएशन में हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर देखिए यू एंड आई, अब 21 वाला रूल है ये वाला, तो इस सिचुएशन में भी हम क्या करेंगे वर्ब का प्रयोग करेंगे, आई के साथ वर्ब का प्रयोग होता है लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास 21 रूल है और सीक्वेंस है जिसको हम क्या कहते हैं यू एंड आई, दोनों एंड से कनेक्ट हैं, इस सिचुएशन के थ्रू पर हम आई के साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे जो कि सही माना जाएगा, राइट। और यहाँ पर आगे देखेंगे ही एंड आई थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, 31 सीक्वेंस को फॉलो करेंगे और इसके साथ वर्ब का प्रयोग बिल्कुल सही माना जाएगा और वर्ड हो जाएगा रॉन्ग। और फिर देखिए मोहन एंड ही, ये आ चुका है थर्ड पर्सन है मोहन और ही क्या है थर्ड पर्सन है और कनेक्टेड है ये दोनों एंड से, इस सिचुएशन में हम ही के साथ वर्ड का प्रयोग करेंगे ना कि वर्ड का। तो ये छोटे छोटे एरर्स हैं, इनको हमको देखना होगा, बारीकी से समझना होगा और जब हम इन चीजों को समझ सकते हैं बेहतर तरीके से तो निश्चित अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बेहतर तरीके से सही सेंटेंस को बना सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम टू ऑल ऑफ यू, और हमेशा वीडियो के साथ बने रहें और अच्छी तरह से इन रूलों को धीरे धीरे करके कंप्लीट सीखें क्योंकि ये सिंटेक्स वाले रूल हमारे एग्जाम में कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर स्टूडेंट 11th 12th 9th वाले भी इसे सीखना शुरू करते हैं तो आगे जाके उनके लिए बैंक पीओ हो गया, एसएससी हो गया, बहुत सारे केवी एग्जाम्स हो गए, सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम टू ऑल ऑफ यू।